अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर अहमद अफजल इंग्लिश लर्निंग के एक और लेक्चर के साथ आपके सामने। आज हमारा टॉपिक है पोइटिक्स, और पोइटिक्स में जो सब्जेक्ट या जो पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एरिस्टॉटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक प्लॉट। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड विद अ ग्रेट एम्फेसिस दैट एरिस्टॉटल गिव्स अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस टू ट्रेजिक प्लॉट। प्लॉट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है कि शायद वो किसी और पार्ट को इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करता। पूरी पोइटिक्स में सबसे ज़्यादा उसने जो चैप्टर्स एलोकेट किए वो ट्रेजिडी को किए, और ट्रेजिडी की जहाँ बात हुई तो सबसे ज़्यादा उसने उसका एम्फेसिस है वो है इस बात पर कि जो आपका प्लॉट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लॉट क्यों इम्पॉर्टेंट है, प्लॉट बेसिकली है कि आपका प्लॉट किस तरह का होना चाहिए, ये हम आज देखते हैं। सबसे पहले तो ये कि इसने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी पोइटिक्स को, बल्कि वो इस हद तक गया कि इवन प्लॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द कैरेक्टर इवन, तो ये कैरेक्टर से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ वो शुरू में भी कहता है बार बार कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लॉट एंड कैरेक्टर, प्लॉट एंड स्टोरी, स्टोरी और प्लॉट में फ़र्क है। प्लॉट क्या है, प्लॉट एक लॉजिकल सीक्वेंस है, प्लॉट एक ऑर्गेनिक होल है, जबकि स्टोरी जो है वो सिंपल एक कलेक्शन ऑफ इवेंट्स है, कलेक्शन ऑफ इवेंट्स है, जबकि प्लॉट जो है वो उससे डिफरेंट है। वो किस तरह से डिफरेंट है, पहली बात तो ये वो ये कहता है जब प्लॉट की बात करें तो प्लॉट की जो प्लेस है ट्रेजेडी के अंदर वो इतनी इंपॉर्टेंट है। वो शुरू यहाँ से करता है कि ट्रेजेडी इज जस्ट लाइक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बॉडी होती है, जैसे बॉडी में ये होता है कि आपके जिस्म के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे स्केलेटन के ऊपर गोश्त बना हुआ हो तो तब जाके वो आपका जो बॉडी का ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है। जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी जिसका एक स्केलेटन है, स्केलेटन के ऊपर बॉडी बनती है, इन द सेम वे ट्रेजेडी के अंदर जो प्लॉट है इट इज़ जस्ट लाइक स्केलेटन। तो वो स्केलेटन माइंड में रखिए, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक उसका ब्लू प्रिंट है, जिसके इर्द गिर्द जिसके ऊपर स्टोरी बेस करेगी। प्लॉट को वो सबसे पहले डिफाइन करता है, और हमने इसकी डेफिनेशन में देखा कि प्लॉट बेसिकली ट्रेजेडी क्या है, ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, एक्शन दैट इज सीरियस कंप्लीट एंड ऑफ अ मैग्नीट्यूड। वो जो एक्शन है वो कंप्लीट होगा और उसका एक मैग्नीट्यूड होगा, वो जो एक्शन है वो एक प्लॉट में मूव करेगा, वो कंप्लीट होगा, उसका एक मैग्नीट्यूड होगा, उसकी एक स्ट्रक्चर होगा, वो किस तरह का होगा। ये हम डिस्कस करते हैं इसके जब हम पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो जो पोएट होता है, पोएट को आप स्टोरी टेलर मत समझिएगा। पोएट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पोएट एंड अ स्टोरी टेलर। स्टोरी टेलर सिर्फ कहानी सुनाता है। पोएट के बारे में बहुत सारी रवायात हैं, ग्रीक कल्चर में, ग्रीक लिटरेचर में पोएट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है। पोएट को इम्पोर्टेंस इसलिए भी हासिल है कि पोएट जो है वो उसको एक मेकर के तौर पे देखा जाता है। पोएट इज टेकन एज अ मेकर, एक ऐसा आदमी जो चीज़ें बनाता है, द वन हु फॉर्म्स समथिंग। उसके बारे में तीन पॉसिबल मीनिंग्स उसके लिए, तीन पॉसिबल जो एक्सप्लेनेशन हैं पोएट के बारे में वो दी गई है। थ्री पॉसिबल मीनिंग्स क्या है, फर्स्टली पोएट को उन्होंने मेकर के तौर पर लिया है कि पोएट एक मेकर है, बनाने वाला है। दूसरी बात, who makes verse or anything, the one who can build, the one who can arrange, the one who can write some verses, कुछ शेर लिखने वाला उसे भी poet कहते हैं। तीसरा, the one who makes up a creative literature, तो जो creative literature बनाता है या उसकी कोई कमी पूरी करता है तो उसे हम poet कहते हैं। तो poet is given a lot of importance in Greek tragedy, especially by Aristotle. एज कम्पेयर टू प्लेटो, हमने ये पहले भी देखा कि प्लेटो को बहुत ज़्यादा पोइट्स को इम्पोर्टेंस देने को तैयार नहीं है, बट एरिस्टोटल गिव्स ड्यू इम्पोर्टेंस टू पोइट्स। अच्छा, अगर आप ये बात कर लें कि पोइट जो है वो मेकर है, पोइट की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जो पोइट्री है ये ओल्डेस्ट जॉनरा है लिटरेचर की, एंड इसका जो नोन सोर्स है वो ग्रीक लिटरेचर है। तो उसमें दो तरह की पोइट्री लिखी जा रही थी, आई हैव मेंशन्ड इट बिफोर दिस वीडियो, कि दो तरह की पोइट्री थी, एक नैरेटिव पोइट्री थी और एक ड्रामेटिक पोइट्री थी। ड्रामेटिक
जो नैरेटिव पोइट्री है, नैरेटिव पोइट्री को नाम दिया गया था एपिक का, जबकि जो ड्रामेटिक पोइट्री उसको नाम दिया गया था ट्रेजेडी का। तो ये बात याद रखिए कि ट्रेजेडी लिखने वाला बेसिकली एक पोइट है। तो वो पोइट है, वही पोइट ड्रामेटिक पोइट्री के जरिए अपनी स्टोरी, अपनी कहानी को एक प्लॉट के जरिए आगे एक सीक्वेंस में लेकर चलेगा। तो वो प्लॉट किस तरह का होगा उसका हम स्ट्रक्चर आप देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लॉट कैसे होगी। नंबर वन, प्लॉट शुड हैव अ प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। प्रॉपर बिगिनिंग स्टोरी स्टार्ट हुई, देयर इज एन इट इज कॉल्ड एक्सपोजिशन। कहानी स्टार्ट होती है, इंट्रोड्यूस होते हैं कैरेक्टर्स, इंट्रोड्यूस होते हैं सिचुएशन, इंट्रोड्यूस होती है, देन द स्टोरी स्टार्ट्स। स्टोरी स्टार्ट विद अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, तो एक प्रॉपर एक मिडल में पहुंचती है। मिडल से फिर आगे ये फिर अगले एंड तक जाती है। तो ये जो इसकी चेन्स, जो कड़ियां हैं इसकी सारी, इनका आपस में मिलना, इनका इकट्ठा रहना, दिस इज व्हाट प्लॉट इज। तो पहली बात ये इसके तीन हिस्से हैं, बिगिनिंग, मिडल और एंड। इसको एक तरह से उसने कहा, हम इसको एपिसोडाइजिंग भी कह सकते हैं, नॉट इन द ट्रू सेंस ऑफ एपिसोड्स, किस्तें आप ना कह लें, लेकिन हम यूँ कह लें कि हम इसको पार्ट्स कह लें। तो हम पार्ट्स में एक सीक्वेंस में इसको आगे प्रो देते हैं। एक बड़ा कमाल इसमें उसका लॉजिकल पॉइंट है, वो ये है कि देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट एलिमेंट इन इन प्लॉट, बट दैट इज वेरी बेसिक। नाउ व्हाट इज कॉज एंड इफेक्ट एलिमेंट? आपकी कहानी शुरू हुई, उसके बाद अगला इवेंट हुआ, उसके बाद अगला इवेंट हुआ, अगला इवेंट हुआ, तो जो आपका दूसरा इवेंट है इट इज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट इवेंट। सेकेंड, थर्ड इवेंट जो है वो पहले और दूसरे का सीक्वेंस है। चौथा जो है वो पहले वालों का सीक्वेंस है। सो इफेक्ट इस चीज, कहानी के अंदर इफेक्ट इस बात का है कि जिसकी कोई ना कोई कॉज, कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। तो जो पहले डेवलपमेंट हो रही है वो एक कॉज एंड इफेक्ट एलिमेंट के तहत हो रही है। इफेक्ट नजर आता है इसकी क्योंकि इसकी कोई कॉज होती है। तो ये कॉज और इफेक्ट को आप जोड़ते चले जाएंगे तो इट विल मेक अ प्लॉट, सो लॉजिकल सीक्वेंस। फिर ये इट शुड बी एन ऑर्गेनिक होल, इट मस्ट बी अ कंप्लीट होल, इट शुड नॉट बी अ रैंडम कलेक्शन ऑफ इवेंट्स। रैंडम नहीं होना चाहिए, इट शुड लुक लाइक अ कंप्लीट होल। ऑर्गेनिक होल का मतलब होता है कि इसके ये चेन्स, जैसे एक चेन होती है इसकी कड़ियाँ होती हैं, उसके पार्ट्स होते हैं, वो आपस में वेल नेट होते हैं, तो इसको भी वेल नेट होना चाहिए। बट इट शुड लुक लाइक अ सिंगल होल, इसको एक से ज़्यादा शक्लें तैयार नहीं करनी चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड किस तरह का, कितना होना चाहिए? इट शुड इट्स मैग्नीट्यूड इस तरह का होना चाहिए कि इसके बारे में कहा गया, नाइदर इट शुड बी टू लॉन्ग नॉर इट शुड बी टू शॉर्ट। ना बहुत ज़्यादा लंबा कि ये नैरेटिव एपिक की तरफ चला जाए, ना इतना छोटा कि एक शॉर्ट स्टोरी की तरह ये बिल्कुल शॉर्ट वर्जन इसका बन गए। तो इसका प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल, एंड के साथ एक प्रॉपर कहानी बनाए जो कि एक डिसेंट मैग्नीट्यूड की हो। अच्छा, उसके बाद फिर दो बड़े ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं इसके आपकी ट्रेजिक प्लॉट के, दैट इज प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर कोई वाकया हो रहा है एक हमारे प्रोटैगनिस्ट के साथ या कैरेक्टर के साथ, सो व्हाई डिड इट हैपन, व्हाई डिड इट हैपन, डिड इट रियली हैपन, और इफ इट हैपन व्हाट वर द रीजंस ऑफ दैट हैपनिंग। एक वजह, एक इसका एलिमेंट ये है, एक ये है कि अगर ये हुआ है तो इससे, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी ये है कि ये इस तरह से भी हो सकता है, और ये एक प्रोबेबिलिटी है। नेसेसिटी ये है कि अगर ये नहीं होगा, कोई मिसफॉर्चून है, कोई कैटास्ट्रॉफी आती है कैरेक्टर के ऊपर, ईडिपस रेक्स की मिसाल है, ईडिपस रेक्स के साथ जब आपके कैरेक्टर्स स्टेज के ऊपर खड़े होके तो दे आर परफॉर्मिंग देयर रोल्स, तो जो कुछ वो बयान कर रहे हैं, द व्हाटसोएवर दे आर परफॉर्मिंग, व्हाटसोएवर दे आर शोइंग एंड एग्जिबिटिंग व्हाइल स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, तो उससे पहले जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में हम कंजेक्चर करते हैं, गेस करते हैं कि हाँ प्रोबेबली यूं इस तरह से हुआ होगा। नेसेसिटी इसलिए कि नेसेसिटी इसलिए भी हमें चाहिए कि अगर वो नहीं होगा तो कहानी हमारी आगे नहीं चलेगी। द फॉलिंग फ्रॉम हैप्पीनेस टू मिजरी या रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, हीरो का नजर नहीं आएगा या होगा नहीं पहली चीज। इसमें पहली बात तो आपकी जहन में रख लें। इसके दो पॉइंट्स और आगे हैं, वो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ इसके काइंड्स ऑफ प्लॉट में। अब प्लॉट की कितनी काइंड्स हो सकती हैं? प्लॉट की तीन काइंड्स एरिस्टोटल ने गिनवाई।
simple plot, complex plot or plot based on suffering. सिंपल प्लॉट क्या है? सिंपल प्लॉट वो है कि जिसके अंदर दो एलिमेंट नहीं होंगे. दो एलिमेंट वो कौन से नहीं? पेरिपिटी एंड डिस्कवरी. नाउ व्हाट डज इट मीन पेरिपिटी एंड डिस्कवरी? पेरिपिटी का मतलब है रिवर्सल ऑफ फॉर्चून. आपका हीरो है वो ही इज लिविंग क्वाइट अ वेरी हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ गुजार रहा है और फिर वो उसकी जो फॉर्चून है उसकी लाइफ वो बिल्कुल रिवर्स हो जाती है. वो हैप्पीनेस से मिजरी की तरफ चला जाता है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट पेरिपिटी. डिस्कवरी क्या है? डिस्कवरी में उसको ये पता कब चलता है कि समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड टू हिम, या उसने गलत किया है, या उसने गलत क्यों किया है, व्हाई डिड इट हैपन, क्या हुआ उसके साथ, और पता कब जब उसको चला, उसको ये रियलाइज हुआ कि कुछ गलत हुआ और क्यों हुआ. दिस इज व्हाट डिस्कवरी इज. तो ये अगर एक कहानी के अंदर होगा तो ये एक सिंपल प्लॉट होगा. अगर ये नहीं होगा तो एक सिंपल प्लॉट. कॉम्प्लेक्स प्लॉट इज द आइडियल प्लॉट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल. एरिस्टॉटल कहते हैं कि इसमें पेरिपिटी और डिस्कवरी होगा. इसका मतलब ये हुआ कि इट वुड नॉट बी अ सिंपल स्टोरी, इट वुड बी अ कॉम्प्लेक्स स्टोरी जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगी, एक पैदा होगी, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगी, रिजॉल्व होने के बाद फिर कहानी आगे चलेगी और इस तरह से चलती चलती अपने एंड तक जाएगी. अच्छा, प्लॉट बेस्ड ऑन सफरिंग ये वेरी करता है. अच्छा, अब आगे जो मैंने पहले बात की इसकी दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट इसकी टर्म्स हैं जिसके बारे में कहा यह जाता है कि ये दोनों इसेंशियल एलिमेंट्स हैं ट्रेजेडी के एंड अल्टीमेटली प्लॉट के. प्लॉट के हैं तो ये ट्रेजेडी के बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. कौन से? कॉम्प्लिकेशन एंड डिनोमा. या डिनोमा भी पढ़ा जाता है. कॉम्प्लिकेशन क्या है? द स्टोरी स्टार्ट्स इन ए वेरी यूजुअल वे. कहानी शुरू हुई, चलती गई अपने मामूल के मुताबिक. एक पॉइंट ऐसा है जहां से मसला पैदा होता है. आप कोई ट्रेजेडी उठा के देखें तो कहानी स्टार्ट में ठीक है, एक वक्त आता है जहां असल में कोई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है. तो जो कॉन्फ्लिक्ट जहां स्टार्ट होता है दिस इज व्हाट कॉम्प्लिकेशन इज. कॉम्प्लिकेशन यहां पर, तो कॉम्प्लिकेशन फिर चलती है आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप चलती है और वो पूरी की पूरी परफॉर्मेंस आप स्टेज पे सांस रोक के आप देख रहे होते हैं. तो वो जो कॉम्प्लिकेशन होती है दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वो फिर आगे एक चलते चलते अपनी पीक पॉइंट तक जाती है और पीक पॉइंट से फिर वो रिजॉल्व होती हुई सफरिंग, पीक पॉइंट पे सफरिंग जाके तो फिर वो रिजॉल्व होती हुई ये खत्म होती हुई नजर आती है. तो जो पीक पॉइंट तक जाके फिर रिजॉल्व होती है दिस इज व्हाट डिनोमे इज. सो कॉम्प्लिकेशन एंड डिनोमे इज दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स जस्ट लाइक प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी. एक चीज और, कॉम्प्लिकेशन एंड डिनोमे मस्ट go and must culminate at single end. इसका single ending होनी चाहिए, एक से ज़्यादा ending नहीं होनी चाहिए, confused ending नहीं होनी चाहिए, single end तक इसको लेके जाना चाहिए. अच्छा जी, अब एक चीज़ और इसमें आपके plot का हिस्सा है, that is dramatic unities. थोड़ा सा हमने पहले भी बात की थी, but these unities they were coined by Aristotle. He used to say and he propounded this theory that your tragedy must be based on three kinds of unities. Unity of time, unity of place and action. Unity of time, your action, your play, your story or your time. It should move from morning till evening. ये एक unity of time, एक time में ये आपका play खत्म हो जाना चाहिए, ये आपकी जो tragedy ये खत्म हो जाती है. Second comes unity of place, एक ही जगह, you do not move from one place. The whole tragedy, the whole happenings, everything happens on a single on a single stage, on a single place. Unity of time, place and action. Action, single action हो, एक ही story हो, एक ही track हो, उसके अलग कहानियाँ ना हो. There must be only a single story. A single story within a single revolution of the sun and on a single place. It should happen. It should be performed on the stage. This is what Aristotle says as far as three unities are concerned. But कोई जरूरी नहीं कि एरिस्टोटल ने कह दिया तो बाकियों ने मान लिया. दैट वाज रियली एक्सेप्टेड बाय द ग्रीक्स, बट लेटर ऑन इन एलिजाबेथन एंड इन मॉडर्न प्लेस दीज यूनिटीज, द रूल ऑफ थ्री यूनिटीज वाज वायलेटेड. मोस्ट ऑफ इवन यू लुक एट द प्लेस ऑफ मार्लो एंड शेक्सपियर एंड द मॉडर्न, इनमें ये थ्री में हो सकता है कोई एक यूनिटी हो सकता है उसको फॉलो किया गया हो लेकिन बाकियों को फॉलो नहीं किया गया. So, this was all about plot.
As I mentioned, it is very important, as according to Aristotle, if I can sum it up, that is the most important part. It is a skeleton of the human body. If fragile is a human body, then it is a skeleton of the human body around which the whole body is built up, and it has a proper, it should be a proper beginning, middle and end, organic whole, and the principles of probability and necessity, and later on complication and denominator. ये अगर होंगे तो ये एक well knit plot कहलाएगा, और ये एक organic plot कहलाएगा. तीन तरह के plot में उसने सबसे ज़्यादा ideal जो करार दिया गया वो है complex plot. So this was all about Aristotle's concept of fragile plot. I'll come back with the next video on some other topic. Thanks for watching.